टू व्हाट वी वर एंड वेयर वी वर. सबसे पहले पेज पे शुरू कर दें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की रीडिंग. साथ में हो चलिए. देखिए अब अपन ने इतना प्रॉपर डिस्कशन कर लिया, दिस विल बी अ वेरी केक वॉक फॉर यू. कम ऑन लेट्स स्टार्ट. अ कंज्यूमर इज अ यूजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयरफॉर एवरी प्रोड्यूसर इज ऑल्सो अ कंज्यूमर. क्या बेटा एक प्रोड्यूसर भी एक कंज्यूमर है? बेटा एक सेकेंड, एक प्रोड्यूसर कैसे कंज्यूमर बनता है कोई मुझे बता पाएगा? हाउ कैन अ प्रोड्यूसर बी अ कंज्यूमर? पर बेटा कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको रॉ मटेरियल लगेगा. तो उस टाइम पे जब आप रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो तब तो आप कंज्यूमर हो. तो इवन अ प्रोड्यूसर विल बी अ कंज्यूमर. चलिए आगे देखते हैं. हाउएवर कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैव कैटेगराइज्ड देम इनएविटेबली इनटू टू कैटेगरी ग्रुप्स. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट इन द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड मास प्रोडक्शन एंड ओवर द इयर्स द टाइप ऑफ गुड्स एंड द नेचर ऑफ सर्विसेज अवेलेबल ग्रू मैनीफोल्ड. तो आज के टाइम पे इतने गुड्स आ चुके हैं, इतनी सर्विसेज आ चुकी है, मार्केट इतना बड़ा हो चुका है कि कहीं ना कहीं पे कॉम्पिटिशन का अलग लेवल आ गया. ठीक है. सो नाउ द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर. अच्छा कैविट एम्प्टर क्या हुआ करता था बेटा? ये तो अपने घर का है सर, ये वाला तो आ जाइए बेटा. आप जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर यूज करते थे जिसका मतलब होता था लेट द बायर बी अवेयर. आप सबसे ज्यादा कॉमन चीज यूज करते थे. इसका मतलब क्या होता था? अगर एक बायर आपसे कोई चीज खरीदने आया है तो ये उसका काम है, आके चीज चेक करेगा, वर्थ इट है तो लेगा, नहीं है तो नहीं लेगा. एज सिंपल एज दैट. इससे छोटा मतलब और कुछ नहीं हो सकता कैविट एम्प्टर का. अब देखिए इसने क्या बोला. कहीं ना कहीं पे लेट द बायर बी अवेयर विच केम इन टू एग्जिस्टेंस इन द मिडिल एजेस हैड बीन रिप्लेस बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर सोवर्निटी और कंज्यूमर इज द किंग. जहां अपन बायर्स बी अवेयर पे थे से मार्केट में इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन आ गया कि हम लोगों ने इसी को रिप्लेस करके क्या नया टर्म बना दिया, दैट कंज्यूमर इज द किंग, जिसको आप कंज्यूमर सोवर्निटी भी कहते हो. ठीक है चलिए. But with the tremendous increase in the world population, the growing markets were unable to meet the tremendous increase in the world, sorry, the tremendous rising demand, which created a gap between the general demand and supply in the market. This is to some extent watered down the concept of consumer sovereignty. पर अब देखो क्या हो गया. Population बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. जितनी population बढ़ रही है उतनी demand भी बढ़ रही है. पर अब क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे demand ज़्यादा होती जा रही है और चीज़ों की supply कम होती जा रही है. तो कहीं ना कहीं क्योंकि अब हम कंज्यूमर ज्यादा डेस्परेट हो गए तो मार्केट में क्या हो रहा है, वापस से इस कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा पानी फैलता जा रहा है. और क्या हो रहा है, धीरे धीरे अब कंज्यूमर सोवरेनिटी वापस से कम होती जा रही है. सो द कंज्यूमर सोवरेनिटी इज रिड्यूसिंग नाउ. ठीक है एकदम. आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल आफ्टर वी रीड दिस. What with consumers being forced to accept whatever was offered to them. On the other hand, the expanding market necessitated the introduction of various intermediaries. Beta, intermediaries ka matlab kya hota hai? Middlemen. Intermediaries between the producer and the ultimate consumer. To aaj ke time mein aapke paas goods aane se pehle kitne logo se pass on hoke aate hain, isiliye goods itne zyada mehenge ho jate hain. To ab kya ho raha hai, kyunki demand itni badhti ja rahi hai aur supply utni zyada nahi ho rahi. Aap apni consumer sovereignty kho rahe hain. जिसकी वजह से वापस क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मार्केट के अंदर जो हम लोगों ने सोचा था कि कंज्यूमर किंग की तरह रहेगा और सब लोग खाली सही काम करेंगे कंज्यूमर्स को रोकने के लिए, सब एक उल्टी चीज हो रही है. दैट डिसेप्टिव मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई हैं हर जगह पे. देखो कितनी गलत गलत प्रैक्टिसेस हैं. मैं आपको बताता हूँ. अभी रिसेंटली मैं एक स्टोर पर गया था टू बाय अ प्रोटीन बॉक्स. ठीक है. तो उसने कहा सर ये एक कुछ डब्बा बताया था ऑन का डब्बा है. एंड मैंने कहा सर कितने का है? तो ही सेड कि 5,500 का डब्बा है. तो मैं बहुत खुश हो गया. वाई? बिकॉज ऑन का डब्बा जनरली 7,000 से सस्ता नहीं मिलता और कोई 1,500 सस्ता दे रहा है. तो मैंने कहा बेस्ट है यार. ठीक है आई परचेज इट. मैं बोल रहा हूँ जब वो डब्बा खोला ना, इट वॉज जस्ट 2 मिनट्स टू अंडरस्टैंड कि वो कम्प्लीटली फेक प्रोडक्ट था, कम्प्लीटली फेक. अच्छा मैं आपको इंडिया में मैनिपुलेशन की हद बताता हूँ. आप चाहें तो किसी भी चीज़ का अडल्ट्रेशन टेस्ट करा सकते हैं, बहुत ईजिली करा सकते हैं.
आप उस फेक प्रोटीन का टेस्ट कराओ, लैब रिपोर्ट भी बोलेगा कि उसके अंदर प्रोटीन ही है। इन लोग एक लेवल और आगे निकल गए, कैसे? उस डब्बे के अंदर हाउ दे हैव क्रिएटेड द सेम कंटेंट, जो दीवारों पे कलर होता है ना, उस मेलामाइट से प्रोटीन बनाया है। एंड मेलामाइट के अंदर जब चेक किया जाए तो सेम लेवल ऑफ प्रोटीन आता है जो आप लोग फूड से लेते हैं। बट द पॉइंट इज, दिस इज नॉट एडिबल, दैट इज एडिबल। कोई प्लीज बॉडी बनाते वक्त दीवार मत खाने लग जाना यहाँ पे, जस्ट सेइंग दिस इज नॉट एडिबल अगेन। हाँ, सो अच्छा एक सेकेंड, अब आप क्या करोगे यार, अडल्ट्रेशन के लेवल इतने ज्यादा आ रहे हैं मार्केट के अंदर, इतना ज्यादा अडल्ट्रेशन, आप कोई भी चीज उठा लो उसका डुप्लीकेट मिलता है कि नहीं? आई टेल यू एनीथिंग, उसका डुप्लीकेट है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि यार द आइडिया इज गेटिंग वॉश्ड आउट, जहां पे कंज्यूमर इतना सोवरेनिटी पे खड़ा रहता था कि जो वो बोलेगा वैसा होगा, से वापस से लोगों के हाथ में पावर जा रहा है। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज, जो सबसे खतरनाक चीज मार्केट में, वो आ गई एडवर्टाइजिंग। द मोस्ट मैनिपुलेटिव थिंग्स आई हैव एवर सीन इज एडवर्टाइजिंग। किसी को रेड बुल पी के पंख आए? नहीं आए, पर हमारे दिमाग में सेट हो गया। अच्छा एक सेकेंड, कितनों की रेड बुल पी के नींद खुल गई? अच्छा मैं तो फिर भी पीता हूं, अपने को आज भी लगता है, मेंटली अच्छा लगता है क्या? मतलब दिस इज मेंटल, मेंटली आई मेंट दिस इज मेंटली कि आप रेडबुल पियेंगे तो आपकी नींद खुल जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, चलो पी लेते हैं। अच्छा रेडबुल के अंदर क्या होता है नींद खुलने के लिए? कैफीन। अबे 10 रुपए के नीचे कॉफी मिलती है, कई गुना ज्यादा रेडबुल से ज्यादा कंटेंट होता है उसके अंदर, पानी में मिला और पीजा। रेडबुल 100 रुपए की, अगर आप दिन में 2 पी रहे हो तो वैसे जेब तो खुली गई थी, धीरे धीरे आंख भी खुली जाएगी भाई कि बाप इससे ज़्यादा पी भी नहीं सकते आप, इतनी महंगी चीज़ें बना दी यार, कोई आइडिया नहीं। अच्छा अगर आपको ना बताऊँ तो रेडबुल के ऊपर केस भी हुआ था, एक लेडी ने केस किया था, बोल रही मैं कब से पी रही हूँ मेरे तो नहीं आ रहे विंग्स, फैक्ट केस है, चेक कर लेना। अच्छा रेडबुल, कोलगेट का भी है ना एक टूथपेस्ट आया था फिर रिमेंबर, जिसमें सोनम कपूर है ना ऐसे, वो ऐसे ब्रश कर रही और बाद में दांत चमका के ऐसे दिखा रही थी, मैं कहा यार उसके चमके अपने भी चमकेंगे। गया स्पेशली लेके आया मैं, 5 दिन में मेरे मुंह में इतने छाले होंगे ना जिसकी कोई हद नहीं, उससे घटिया टूथपेस्ट नहीं होगा कभी लाइफ में, और दांत वैसे के वैसे सड़ियल पीले। तो द पॉइंट बीइंग सेड आउट देयर इज कि एडवर्टाइजिंग क्या कर रही है, एडवर्टाइजिंग करती है आप लोगों के सामने आपकी एक ऐसा इमेज क्रिएट कर देती है कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। बजाज बल्ब का एड देखा था अभी, एक लड़की की शादी होने वाली थी, क्योंकि रात में क्रीम असर नहीं करती तो उसकी मम्मी नया आइडिया लाई, बल्ब लगाया और लड़की गोरी हो गई। अलग लेवल ऐसी चीजों को, मतलब आप क्या सोचोगे? अच्छा आप सोच रहे हो अगर कोई इंसान, बजाज जैसी कंपनी ऐसी एड बनाने की हिम्मत रख रही है, मतलब मार्केट में इस चीज को एक्सेप्ट भी किया जाता होगा, जस्ट टू से इट नॉर्मल से कि मार्केट में इसको इन्वेस्ट। अच्छा अपने सामने कितना हाइप क्रिएट कर दिया, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम। पहली बात आपने चमड़ियों में डिस्टिंग्विशमेंट कर दिया कि लड़के की चमड़ी अलग है लड़की की चमड़ी अलग है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड आपके दिमाग में एक इमेज बना दी कि गोरा मतलब अच्छा काला मतलब खराब। एड में क्या दिखा रहे, एक लड़की की नौकरी नहीं लग रही, क्यों? क्योंकि वो काली। मतलब मेरा क्वेश्चन क्या है कि वो गोरे होने से काम में ऐसा क्या अलग कर देगी, माई क्वेश्चन बीइंग वेरी सिंपल। पर अपने दिमाग में क्या आइडिया बन गया, फेयर एंड लवली ना 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 ना, और ऐसे पॉन्ड्स के 7 दिन निकले और 7 दिन बाद मॉम मेरी नौकरी लग गई, वाह, मतलब माँ भी गरी वाह बेटा, शहनाज हुसैन खुद ऐसे घूम रही रोड पे जिसके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे और वो तुम्हारी नौकरी लगवाएगी अरे क्रीम लगा के। सो अनरिलीजियसली अपने आप को अपन लोगों को इतना रेसिस्ट बनाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ब्लैक मनी, एक सेकेंड, कहाँ डिफाइंड है ब्लैक मनी मुझे बताओ? साले वो अंग्रेज लोग खुद को गोरा कहते थे तो बोलते थे जो पैसा लीगल है उसको वाइट बुलाना, और कालों से नफरत करते थे तो बोल दिया कि जो पैसा खराब है उसको ब्लैक मनी बुला देना। अपन सब में आज तक आदत बन गई, वेयर इज इट रिटन दैट इट्स वाइट इट्स ब्लैक? किसी के मुंह पे गांधी जी काले करके मिलेगा नोट में? नहीं मिले यार, मनी तो मनी था, अपन ने बना दिया। लीगल बोल लेते, इलीगल बोल लेते, मतलब टैक्स्ड बोल लेते, कुछ और बोलते, पर वाइट एंड ब्लैक, दिस इज समथिंग विच इज बीन पॉप्ड अप इन आवर हेड। ये जो नेक्स्ट टॉपिक आया, एडवर्टाइजिंग दो ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली का मतलब क्या होता है, ऑन अ गुड फेथ ऑस्टेंसिबली डायरेक्टेड एट इन्फॉर्मिंग प्रोड्यूसर एंड इन्फॉर्मिंग पोटेंशियल कस्टमर्स अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड यूजेस ऑफ अ प्रोडक्ट बिगेन टू बी रिसोर्टेड टू एज अ मीडियम फॉर exaggerating the uses of one's products or disparaging other products so as to have an edge over competitors. अभी देखो इसने क्या बोला, advertising लाने का logic क्या हुआ करता था, आपको बताया जाए कि हमारा product क्या है, और आज के time पर क्या हो गया, advertising को use करते हैं दूसरे की बेइज्जती करने के लिए। वो एक ad दिखाए क्या, ऐसे अंकल खड़े हैं white dress, हो उस ad में क्या दिखाया, ऐसे tight निकला पर कपड़ा वैसा का वैसा गंदा है, पीछे से रिन निकला, ओ हो देखा है, देखना
टाइट का एड का कॉपी करके रिन का एड आया और बोला कि अब उससे सस्ते में और बेटर चीज करके। अब एक सेकेंड, तू वैसे ही बोल देता कि तेरे वाले से कपड़े ज्यादा अच्छे धुलते हैं, पर नहीं, हमको भी तो मस्ती, हम उंगली करेंगे। तो यहाँ पे टाइट का पूरा मजाक बनाते हुए कह दिया कि हमारा प्रोडक्ट बेटर है। हमने कहा ठीक है, आप अपना प्रोडक्ट सेल करते, बट नहीं, द कॉम्पिटिशन इज सो वास्ट कि आप पहले दूसरे की बेइज्जती करते हो, फिर खुद की तारीफ करते हो, तब आपको लगता है कि अभी भाई को सही लग रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम। अनफेयर एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस सच एज सेलिंग ऑफ डिफेक्टिव और सब स्टैंडर्ड गुड्स, चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस, मिसरिप्रेजेंटिंग द एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब एफिशिएंसी और यूजफुलनेस ऑफ गुड्स, नेग्लिजेंस एज टू मेजर्स इवन इन डेवलप सॉरी negligence as to safety standards became rampant. Rampant मतलब बहुत ज़्यादा frequent. It therefore became necessary to evolve statutory measures even in developed countries to make producers, traders more accountable to consumers. कहीं ना कहीं हम लोगों ने ज़्यादा accountable कर दिया है। अच्छा, आई टेल यू, अभी रिसेंटली, शायद तक पुराने वालों को तो मैंने बात बताई भी होगी, नहीं बताई हो तो है ना, मुझे श्रद्धा का फ़ोन है, श्रद्धा सेट की यार आई वॉन्ट एयरपॉड्स, ठीक है, एयरपॉड्स आई थिंक बहुत महंगे आते हैं, तो मैंने चौड़ चौड़ में कह दिया, मैं कहा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, दिला दूंगा, डन। मैंने ऑनलाइन चेक किया एयरपॉड्स, तो ऐसे ज़ोर से हंसी वाला हा 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 लिखाया 12,000, ठीक है, मेरे कान से धुआं निकला, मैं कहा एयरपॉड्स 12,000 मतलब कर ही नहीं सकते, इतना तो भाई का बजट ही नहीं है। मैंने सिर्फ हाँ, तो मैंने गूगल पे लिखा एयरपॉड्स फर्स्ट कॉपी। अच्छा, विश्वास करना, एप्पल से ज़्यादा अच्छे दिखते हुए एयरपॉड्स, वैसा ही चार्जिंग केस मुझे 899 मिले, ठीक। मैं कहा इसके लिए एक छोटी सी टेक्निक खेलनी पड़ेगी, मैंने डायरेक्ट वो कुछ उसके घर ने भिजवा के अपने घर मंगवाए, डब्बे से निकाले, खाली चार्जिंग केस अपने पास रखा, द नेक्स्ट टाइम आई मेट, मैं कहा दिस इज़ फॉर यू एयरपॉड्स। भाई साहब अलग लेवल खुश, इधर उधर दौड़ रही है, मस्त मस्त मस्त। मैं कहा बस ख़त्म, और कुछ, अपन आ गए अपने चौड़ में वापस। भाई दो दिन में उसके कान में बना ठक ऐसे आवाज़ आई, राइट वाला गया और उसकी याद में लेफ्ट वाला दो तीन दिन बाद शहीद हो गया। 5 से 6 दिन में गुड्स रवाना। देखो मुझे कोई गलत दिक्कत नहीं है, वो फट भी जाते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर थोड़ा लेट 6 दिन में पकड़ा गया। और उसके बाद उसने बोला कि ये एप्पल के हैं, मैं कहा हाँ एप्पल, बोले इसमें कहीं एप्पल तो लिखा नहीं है, मैं कहा एप्पल की यही तो सादगी है, अपना नाम नहीं बताता, काम बताता है। तो कहे हाँ बताया उसने, 6 दिन में दोनों साइड से ख़राब हो गया। मैं कहा ओके, कहीं ना कहीं मेरे साथ धोखेबाजी हुई, 899 में तुमने ऐसी, मेरे उसके साथ तो हुई हुई, कंज्यूमर तो मैं हूँ ना, अभी मेरे साथ धोखेबाजी हुई, सर फट गया। इस चक्कर में पहले तो मुझे भिखारी बुलाया गया, लालची बुलाया गया और दो चार गालियाँ और माँ बहन की जो मैं काट रहा हूँ यहाँ पे। उसके अलावा मुझे नए एप्पल के एयरपॉड्स खरीदने पड़े स्टोर से, वो तो पहले जब मैं 12,000 में निपट रहा था, अब मैं 13,000 प्लस गालियों में निपटा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के साथ गलत हुआ। अब द नेक्स्ट टाइम पीपल आस्क मी कि भाई क्या खरीदना चाहिए, आई ऑलवेज से एनीथिंग विच हैज़ बीन रिकग्नाइज नाइसली, जहाँ पे कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई किया जा रहा है। मैंने इन लोगों को प्रोडक्ट वापस भेजा, ना कोई सॉरी का मेल, ना कोई रिफंड, कुछ भी नहीं, सब कुछ ऐसा का ऐसा ही है। मैंने रिव्यू डाला 0.5 स्टार, बट जब मैंने नीचे देखा तो, अच्छा गुड्स के ऊपर 5 स्टार लिखा हुआ आ रहा था पहले, जब मैंने नीचे देखा तो 3 ही रिव्यूज़ थे, 100% बोल रहा हूँ, खुद उसकी बीवी और उसकी बेटी तीनों ने रिव्यू किया होगा। मैं नेक्स्ट था 0.5 पे, इकलौता मैं ही फंसा था 899 में। रॉन्ग प्रैक्टिस। अच्छा, इंडिया ही नहीं, बाहर भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि खाली अपने देश में ऐसे महान है, हर जगह ऐसे महान है। इसके लिए हमने बोला कि प्रॉपर एक्ट बनाओ जो इन चीज़ों को कंट्रोल करे, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन सारी चीज़ों को अपने अंदर लेता है, प्रोवाइडेड आप किसकी डेफिनेशन के अंदर आ जाओ, कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर आ जाओ, ठीक है। ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू डील विद इशूज ऑफ कॉमन कंसर्न एंड हैविंग देयर ग्रीवेंस रिड्रेस्ड सेटिस्फैक्टरीली। सो द बेसिक राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, इसके ऊपर बेटा BBIMPNH लिख लीजिए। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है BBIMPNH। हाँ जी, कंज्यूमर के बेसिक राइट्स की बात कर रहे हैं, कबाड़ी पढ़ा दूं मैं, ठीक, थैंक यू। फर्स्ट राइट, द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आप ऐसी चीज को मार्केट कर रहे हैं जो हमारी लाइफ के लिए हजार्डस है। अच्छा एक सेकेंड, आप में से किसी ने भी शराब का एड टीवी पे देखा है या सिगरेट का? शर्त लग गई, नहीं देखोगे? कौन सा ऐड आता है, क्या आता है? रॉयल चैलेंजेस, तो क्या आता है उसमें? म्यूजिक सीडीज बोल के दिखाएं ऑन टीवी, लिखकर
बोलेंगे ही नहीं म्यूजिक सीडीज एंड सोडा, क्यों बोलते हैं? हमने बोला दिस इज नॉट गुड फॉर द लाइफ, आप इसको एडवर्टाइज नहीं करो। उन्होंने कहा ठीक है, रॉयल चैलेंजर सीडीज, क्योंकि उसके बाद तो वैसे ही सीढ़ी चढ़ जाते हैं बहुत ऊपर, तो सीडीज। अच्छा वो रणवीर सिंह ने ऐड बनाया था रॉयल चैलेंजर्स, लाइफ में आगे बढ़ना है स्मॉल स्मॉल आगे बढ़ते जाइए, स्मॉल स्मॉल मिलाते जाइए, लार्ज बनाते जाइए, एंड तक किसी की हिम्मत हाथ में ग्लास उठा के दिखा दे उस पूरे में, नहीं दिखाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि एनीथिंग विच इज बीन एडवर्टाइज जो हजार्डस नेचर की है वो आपके खिलाफ उल्टा केस दिखाएगी। आज तक कभी आपने ऐसा ऐड देखा हो जो सिगरेट प्रमोट कर रही हो? कभी नहीं करेगी। उल्टा देखोगे अफसोस हम मुकेश को बचा नहीं सके, उल्टा दिखाएंगे पर कभी प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक। सोचो आपको रोकने के लिए उन्होंने ये हद तक कर दी कि डेडली सिग्नेचर्स भी लगाए हैं आगे, ठीक है, कि ऐसा हो जाओगे ऐसा हो जाओगे, हमने हट उल्टा करते डब्बा, ठीक है। तो द आइडिया इज गवर्नमेंट क्या कह रही है, कंज्यूमर्स को अवेयर कर दो कि आपको ये नुकसान होगा, फिर भी आपको मरना है, गो हैड, नो क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, एकदम ठीक है, आ जाइए। सो फर्स्ट बेटा, द बेसिक राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऐसे गुड्स की जो आपके लिए क्या कर रही है, हजार्डस नेचर को प्रमोट कर रही है। सेकेंड, द राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी क्वांटिटी पोटेंसी प्योरिटी स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज सो एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस। अच्छा आप किसी चीज की क्वालिटी जानना चाह रहे थे, प्राइस जानना चाह रहे थे, या फिर उसकी पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब क्या होता है, द यूजफुलनेस, कि भाई हम इससे क्या कर सकते हैं, क्या फायदा है इस चीज का, आप ये जानना चाह रहे थे, बट यू आर नेवर बीन मेड अवेयर कि इसका क्या फायदा और इसका क्या नुकसान है। ऐसे केस के अंदर भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं बेटा आपको, आज से कुछ टाइम पहले मेरी थ्रोट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो आई वेंट डाउन टू अ डॉक्टर इन राजस्थान। उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी दवाइयां स्टार्ट कर देते हैं और 100% गला ठीक हो जाएगा। एंड आई वॉज सफरिंग उससे कम से कम अरसों से, बहुत अरसे हो गए थे यार। उसने मुझे दवाई दी, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं 5 दिन के अंदर एकदम ठीक, और मैं बोल रहा हूँ मैं सालों से गले की प्रॉब्लम से तंग हो रहा था, 5 दिन में सही हो गया। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि इतना जल्दी कैसे असर कर सकती है कोई दवाई विदाउट ऑपरेशन, कुछ भी नहीं, ठीक है अपन ने अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, लेते हैं। अच्छा कुछ दिन बाद मुझे ना यहाँ यहाँ पे पूरे रैशेज आने लगे, धीरे धीरे चेस्ट पे पूरे रैशेज आ गए। सो मैं समझा नहीं, मैंने कहा यार हो क्या रहा है, तो मैं यहाँ पे पुणे में किसी डॉक्टर को दिखाने गया कि रैशेज हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसे रैशेज होने नहीं चाहिए, मतलब वाई इतने हैवी रैशेज हो रहे हैं, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं? आई शोड देम कि ये मेडिसिन है। बोले सर ये मेडिसिन नहीं है, ये स्टेरॉइड्स है जो आपको दिए गए हैं। तो स्टेरॉइड्स, अच्छा स्टेरॉइड्स क्या होता है, जो चीज़ आपकी बॉडी खुद बना सकती है पर क्योंकि किसी रीजन की वजह से नहीं बना पा रही है, तो आप एक्सटर्नली उसको स्टेरॉइड्स के थ्रू इन्फोर्स कर रहे हैं, ये बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड्स आ रहे हैं आपकी बॉडी में, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी नेचुरली खुद वो चीज़ बनाना ही बंद कर देगी और आप दवाइयों पे रह जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर मेरा गला खराब हुआ तो मैं स्टेरॉइड्स ही लेता रह जाऊंगा जब तक मुझे चलना है, तो कंप्लीटली रॉन्ग प्रैक्टिस। कहीं ना कहीं पे आई वॉज अ कंज्यूमर, आई वॉज पेइंग हिम, उसको मेरे को बताना तो चाहिए था कि आप जो मुझे दवाई दे रहे हो उससे मेरे को क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या लॉसेज हो सकते हैं, ही डिडंट इन्फॉर्म मी। अ ह्यूज क्लैश बिटवीन अस एंड आई फाइल्ड अ केस। मैंने कहा आपने मेरे को स्टेरॉइड देने से पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, टू विच ही रिप्लाइड कि इट्स अ माइल्ड स्टेरॉइड, हल्का सा होता है, मैंने तो बोला था। ऑब्वियसली अपन उस केस को जीतते हैं कि माइल्ड भी था कुछ भी था, आपको मेरी परमिशन लेनी चाहिए थी। बट इन दिस केस वॉज आई हैविंग द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट वॉट काइंड ऑफ क्वालिटी पोटेंसी यू आर गिविंग इट टू मी। थर्ड, द राइट टू बी अश्योर्ड वेर एवर पॉसिबल एक्सेस टू वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटेटिव प्राइजेस। मैं किसी स्टोर पे गया, उनके पास सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा आप में से किसी ने हेल्थ कार्ड वेबसाइट का नाम सुना है? हेल्थ कार्ड सुना है ना? हेल्थ कार्ड इंडिया का एक अच्छा ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पे आप जाके कोई भी बॉडी के फ्यूल्स खरीद सकते हैं। आप उनकी शॉप पे भी चले जाओ, आप ऑनलाइन भी चले जाओ, वो आपको एक ही चीज़ प्रमोट करेंगे जो उनका खुद का ब्रांड है, और दूसरी चीज़ की बेइज्जती करते रहेंगे लगातार कि ये अच्छा नहीं, अच्छा ये अच्छा नहीं, हम ये सेल करेंगे आप ये ले लो, हम ये सेल करेंगे आप ये ले लो। द लास्ट टाइम आई टोल्ड हिम, मैं कहा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, नहीं खरीदना तेरा गोबर ब्रांड, तेरे पास आते हैं क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है, जो मेरी मर्जी होगी वो खरीदूंगा, आप साइड हो जा। बट द पॉइंट बीइंग दिस प्रैक्टिस इज नॉट अलाउड। द आंसर टू दैट इज अगर मैं वहाँ पे आया हूँ मुझे वैरायटी ऑफ गुड्स देखने का मौका मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे बायर को वापस से कंज्यूमर सोवरनिटी पे लाना है, बायर को वापस से किंग बनाना है, उसको एक जगह फंसाऊंगा नहीं, उसके सामने 10 प्रोडक्ट होने चाहिए, जो सही लगता है वो उठाएगा। यहाँ तक सही है साथ में, चलो आगे। फोर्थ, द राइट टू बी हर्ड एंड टू बी अश्योर्ड दैट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट
फोरम्स, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मेरा ये भी राइट है कि इस एक्ट के अंदर जो भी फोरम्स है, बेटा फोरम का मतलब क्या होता है, अब प्लेटफॉर्म जो आपका केस सुनने वाले, ये मेरा राइट है कि वो फोरम मेरी बात सुनेगा, और अगर उस फोरम ने मेरी बात नहीं सुनी ना तो उस फोरम के खिलाफ भी कंप्लेन की जा सकती है कि आपने मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं किया, ये भी मेरा राइट हो गया। नेक्स्ट, द राइट टू सीक रिड्रेसल, बेटा रिड्रेसल का मतलब क्या होता है, रेमेडी, अ सॉल्यूशन, द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और अनसरप्लस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। अगर आपके साथ कोई भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, या फिर मान लीजिए आपके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की जा रही है, व्हाट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इफ यू गाइस रिमेंबर मैंने आप लोग को पहले भी ये पढ़ाया हुआ है कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर, जो लोग नए उन लोगों के लिए नहीं, जो पुराने वाले उनसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बेटा, व्हाट अमाउंट्स टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अडल्ट्रेशन, ओके, यस अली, एग्जैक्टली, अरे जो तुम ऊपर से पढ़ के आ रहे हो बेटा, ये सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, ज्यादा प्राइस चार्ज करना, आपको गुड्स न दिखाना, गलत गुड्स दे देना, बेटा ये सब कुछ है मिसरिप्रेजेंटेशन, ओके। सो टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और अनसरप्लस एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, आपको एडुकेट होने का भी पूरा राइट है। यहां तक बच्चे कोई डाउट तो नहीं? आप जाइए, आप पीछे ये लाइन को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए सुन लें, दिस इज बेस्ड, अच्छा ये जो आपको राइट्स मिले ना ये, अच्छा एक सेकंड, हम इंडिया वाले इतने अच्छे तो है नहीं कि दुनिया में सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाएंगे, हम इंतजार करते हैं कि तुम मेहनत कर लो, फिर तुम्हारे अंदर जो फॉल्ट होंगे हम वो हटाएंगे और अच्छा वाला चीज अपने पास लेके आएंगे, मस्त। सो दिस इज बेस्ड ऑन द बेसिस राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एज डिफाइंड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंज्यूमर्स, IOCU, आपके लिए बनाया हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंज्यूमर्स। विज आपको क्यों ये राइट्स दिए जा रहे हैं, यू हैव द राइट टू सेफ्टी, यार जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो आप उसे सेफली यूज करें, टू इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ चॉइस, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन एंड राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट एंड टू बेसिक नीड्स। श्योर इनफ, चलते हैं। तो ये ना सारी कंज्यूमर अवेयरनेस है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार तो एक बंदे ने ये प्ली उठाई थी कि मतलब दे रेस्ट की ये वाटर बॉटल्स वाले हमको बेवकूफ बना रहे हैं, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, ये वाटर के ऊपर एक्सपायरी डेट डाल देते हैं ताकि हम पानी जल्दी खत्म कर दें, मतलब वाटर बॉटल्स के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती ना, तो फोरम वाला बोला तू इधर बैठ, पानी एक्सपायर नहीं हो रहा, बॉटल एक्सपायर हो जाएगी, वो तुमको नई बेवकूफ़ बना रहे, हम मानते हैं देर इज राइट टू सेफ्टी, पर कुछ भी नहीं मांगना है आपने, जाओ यहाँ से, बोले ठीक है भैया, पर इसके लिए भी कंप्लेंट थी, अच्छा वो कंप्लेंट भी एक्सेप्ट हुई क्या, हुई, उसको समझा के वापस भेज दिया कि भाई तू समझ, बॉटल का एक्सपायरी है पानी का नहीं। आइए, स्कोप ऑफ द एक्ट मुझे ऑल्टर करने में बहुत अच्छा लगा, द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, बाबा। नेक्स्ट, नाउ कमिंग डाउन टू द डेफिनेशंस, चलिए, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया, इसको तो लिखूंगा मैं, कमिंग डाउन टू द डेफिनेशंस, सबसे पहला है कंप्लेनेंट। अच्छा बेटू एक सेकेंड, कंप्लेनेंट पढ़ने से पहले एक बार कंप्लेंट पढ़ ले, फिर कंप्लेनेंट पाते, जस्ट इसके नीचे ही कंप्लेंट दिया हुआ है, पहले कंप्लेंट पढ़ लेते हैं, कंप्लेंट मतलब शिकायत, आप एक एलिगेशन लगा रहे हो, अच्छा कब कब कंप्लेंट की जा सकती है एंड व्हाट अमाउंट्स टू कंप्लेंट, पहले वो देखते हैं, कल किया था ना ये भी अपने डिस्कशन, इट मींस एनी एलिगेशन, देखो कंप्लेंट में प्लीज ये वर्ड जरूर यूज करना, एलिगेशन, क्यों बेटा आपने इसको एलिगेशन क्यों बोला, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्जाम है, प्रूव नहीं हुआ है, सो कंप्लेन इज ऑलवेज एन एलिगेशन, एलिगेशन मेड इन रिटन, वापस दो चीजें जरूरी है, इट्स एन एलिगेशन विच इज इन राइटिंग विच इज रिटन। अच्छा एक सेकेंड, लेट सपोज आई परचेज सम गुड्स, मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता, मैंने गुड्स खरीद लिए, गलत हो गया, कंप्लेन कर सकता हूँ, तो एलिगेशन तो मैं लगा सकता हूँ, पर रिटन का क्या करूँ, असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है आपको कंज्यूमर फोरम में, असिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट फोरम,
बेटा मैंने अप्रोप्रिएट फोरम क्यों लिखा है कि जिसके सामने आप केस कर रहे हैं वही आपको राइट डाउन करवा के देगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, चलते बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए, बाय अ कंप्लेनेंट दैट फर्स्ट एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हैज बीन अडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। आप कंप्लेन करते हैं कि भाई कोई इंसान यहां पे कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, और द गुड्स बॉट बाय हिम और अग्रीड टू बी बॉट बाय हिम सफर फ्रॉम एनी और वन और मोर डिफेक्ट्स। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, आपने जो गुड्स दिए वो डिफेक्टिव हैं। मैंने एक बार कोपरा के अंदर किसी को, मेरी स्टूडेंट को एक एप्लीकेशन फाइल करने में हेल्प की थी। तो कैसा हुआ था कि उसने एक MI करके कंपनी है उसका फोन लिया था, ठीक है। अच्छा, MI है ना अभी बहुत बढ़िया हो गया है, पहले उससे कचरा ब्रांड नहीं था कोई, जस्ट गोइंग फ्यू इयर्स बैक कचरे से कचरा, एक ही सर्विस सेंटर पूरे पुणे में, लाइन भी ऐसे लगती थी और खराब भी सारे होते थे, मंगाया था उन्होंने, हर चीज सेट करके रखी थी कि हमारे यहाँ भीड़ होनी चाहिए। अच्छा, इसका फोन खराब हुआ, स्क्रीन उड़ गई फॉर नो रीजन, वहां गई सर्विस सेंटर तो बोलते हैं कि इसकी स्क्रीन तो अभी अवेलेबल नहीं है, एक महीने के बाद आएगी। एक महीने बाद बोलते हैं कि ये वाली स्क्रीन कंपनी ने बनाना बंद कर दिया है, अब कोई फोन रिप्लेसमेंट में अगर हमारे पास कभी आया तो वो स्क्रीन निकाल के आपके इसमें डाल देंगे। कांट डू एनीथिंग, नई नई कंपनी है, फायदा भी नहीं कुछ। तो शी सेड मैं कहा लॉन्च कंप्लेन अंडर कोपरा, बात खत्म, आएगा अपने आप तेरे को रिस्पॉन्स, सब देंगे स्क्रीन के, नया मोबाइल देंगे भी तेरे को, उनका फॉल्ट है। दिस वॉज अ केस वेर डिफेक्टिव, तो आप कोपरा के अंदर केस फाइल कर सकते हो, अपने पुणे का भी बहुत स्ट्रांग है कोपरा जोन, आप अप्लाई करिए फटाक से रिप्लाई आएगा। मैंने आगे इसके अंदर है ना पर्पजफुली, इफ यू कम डाउन थोड़ा सा आगे आपके नोट्स में ऑन पेज नंबर 13.13 मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम का पूरा एक डायग्राम भी दिया है 13.13 पे, जिसके अंदर कैसे कंप्लेन होती है, कितने टाइम में कंप्लेन एक्सेप्ट होती है, वो भी पूरा मैंने आपको बताया है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आप लोग भी अब बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर अगर आपको कोई दिक्कत है आप कंज्यूमर फोरम में अप्लाई कर पाओगे फॉर श्योर, ठीक है। तो अगर डिफेक्टिव है तो थर्ड, द सर्विस इज हायर्ड और अवेल्ड ऑफ और अग्रीड टू बी हायर्ड और अवेल्ड ऑफ बाय हिम सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी इन एनी रिस्पेक्ट। बेटा देखो, पहले गुड्स की बात कर ली आप लोगों ने, फिर आप क्या बात कर रहा है ये सर्विसेज की। सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, डिफेक्टिव गुड्स, डिफेक्टिव सर्विस। अब बेटा इसको डिफेक्टिव मैं लिख रहा हूं पर डिफेक्टिव सर्विस इज नो वर्ड, इसकी जगह आप लोग क्या लिखोगे, ये सिर्फ याद रखाने के लिए कि गुड्स के बाद सर्विस आता है, पर इसका ओरिजिनल चीज आप क्या लिखेंगे, डेफिशिएंसी इन सर्विस। इट्स कॉल्ड डेफिशिएंसी इन सर्विस, याद रहेगा। प्राची कुछ डाउट नहीं, चलो नेक्स्ट। अ ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर एज द केस मे बी हैज चार्ज फॉर गुड्स और फॉर सर्विसेज मेंशन इन द कंप्लेन अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ द प्राइस। अब देखिए नेक्स्ट में क्या हुआ है भाई, अभी तक देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा, कंप्लेन किस किस चीज पे हो सकती है, एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पे हो सकती है, फैक्ट दो साइड में। सेकेंड, कोई भी अगर मान लीजिए गुड्स आए उसमें डिफेक्ट है, हो सकती है, फैक्ट दो साइड में। थर्ड, सर्विस, अगर कोई सर्विस में डिफेक्ट आया, फैक्ट दो। अब फोर्थ ये क्या बोल रहा है, किसी ट्रेडर के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हो जिसने आपको गुड्स दिए, सर्विसेज दी, पर जो गुड्स या सर्विस उसने दी है उस पर जो उसने प्राइस चार्ज की है दैट इज इन एक्सेस, उसने जो प्राइस चार्ज किया दैट इज इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज फिक्स्ड अंडर लॉ, या फिर जो वहां पे प्राइस लगा हुआ था उससे ज्यादा दी है, या फिर जो कस्टमरी उसकी प्राइस चलती है उससे ज्यादा प्राइस चार्ज की है, ऐसे केस में आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो। तो मैं तीसरा पर्सन लिख रहा हूं, एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर हु हैज चार्ज्ड अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ ए, देख लीजिए, फिक्स्ड बाय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, तो जिसमें द प्राइस वॉज फिक्स्ड अंडर एनी लॉ उससे ज्यादा चार्ज कर दिया बेटा आपने। साथ में हो बढ़ुआंगे। बी, डिस्प्लेड ऑन द गुड्स और एनी पैकेज कंटेनिंग सच गुड्स यू हैव चार्ज द प्राइस इन एक्सेस
ऑफ द गुड जो उसके ऊपर डिस्प्लेड है. अच्छा देखो है ना, ये सबसे ज्यादा कहां होता है, टॉयज इंडस्ट्री में. नोटिस करके देखो, टॉयज इंडस्ट्री में ना पीछे वो पूरा प्राइस को ऐसे रगड़ के खराब कर देते हैं. क्यों? अपन क्या बाहर से चाइना वाइना से लेके आते हैं, वहां से तो एकदम सस्ती प्राइस में आता है. इंपोर्ट करते वक्त उनको प्राइस लगानी पड़ती है कि भाई यहाँ पे लेके आ रहे हो. तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही आता है पूरे प्राइस को खराब कर देंगे या फिर एक नया स्टिकर बनाएंगे और वो उसके ऊपर चिपका देंगे. 99% ऑफ द गुड्स जो आप टॉयज इंडस्ट्री में खरीदते हो ना, वो कौड़ियों के भाव आते हैं और तुमको अलग प्राइस पर चार्ज किए जाते हैं. अगर ऐसा आपके साथ किया जा रहा है कि नॉर्मल प्राइस जो उन गुड्स की होनी चाहिए उससे ज़्यादा आपको चार्ज किया जा रहा है, तो क्या आप लोग भी केस फाइल कर सकते हैं? यस, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है सर. जितनी देर केस करेंगे उतना में कमा लेंगे उतने पैसे. हाँ बेटा, आपके साथ भी हुआ है. थर्ड, डिस्प्लेड ऑन द प्राइस लिस्ट एग्जिबिटेड बाय हिम अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स. मैं कार के टायर लगवाने गया, तो आप देखते हैं अपन कभी टायर वायर लेने जाते हैं तो वैसे पूरी एक लिस्ट रेडी रखते हैं कि ये वाले टायर ये वाले साइज का इतने रुपए में मिलेगा. अगर आप जाओ तो बहुत बार ऐसा लिस्ट होती है, या फिर कोई आप स्पेयर पार्ट खरीदने जा रहे हैं तो पूरी ऐसी एक लिस्ट अवेलेबल होती है. बेटा उस स्पेयर पार्ट की लिस्ट में लिखा हुआ है कि टायर इतने का है या फिर स्पेयर पार्ट इतने का है. अगर जितना उस लिस्ट में लिखा है उससे ज़्यादा भी आपको चार्ज किया जा रहा है, क्या ये भी एक तरीके से कंप्लेंट का पात्र बन जाता है? यस, बन जाता है. कभी नोटिस करके देख लेना, आज भी चाहिए ना तो नीचे उतर के कहीं भी चले जाओ किसी टायर वाले के पास, ठीक है, या कोई भी और स्टोर जो ऐसे प्राइस लिस्ट दिखाता है, देखना वो क्या करेगा. शाणे मतलब जो गलत प्रैक्टिस करते हैं ऐसे जाएंगे, बोलेंगे सर 2800 है, अभी तो नया वाला माल आ गया है तो नए वाले प्राइस पे थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा लगेगा. फिर वो आपको बोलेगा 200-300 रुपये ज़्यादा. फिर आप बार्गेनिंग करोगे, फिर बोलेगा कि चलो ठीक है इतने दे दो, बस पुराने वाले लॉट पे देता हूँ. उसने कुछ नहीं किया, आपको ज़बरदस्ती लल्लू बनाया, वापस से उसी प्राइस पे प्रोडक्ट पकड़ा के चला गया, ख़त्म. ये उनकी बेस्ट प्रैक्टिस है. हाउएवर वो आपको ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहा उस लिस्ट से, पर अगर प्राइस लिस्ट में जो सामान लिखा है उससे ज़्यादा चार्ज करता है, आप केस फाइल कर सकते हो. टू विच आपने बोला कि सर अब उसको माल महंगा आया है तो वो बेचारा क्या करे, नई प्राइस लिस्ट लगाए. पुरानी प्राइस लिस्ट दिखा के नया माल क्यों बेच रहे हो? हम तो ऐसा कंज्यूमर यही सोचेंगे ना कि आप हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हो. तो अगर कोई आपको ऐसा बोलता है, यू हैव वेरी वेल द राइट टू गो अगेंस्ट हिम अंडर कोपरा. डन. थर्ड, आई एम सॉरी फोर्थ, अग्रीड बिटवीन द पार्टीज. अच्छा, मैंने बोला था मैं ये कैमरा आप लोगों को 50,000 में बेच दूंगा, आप लेने आए उस दिन मैंने बोला 60 से नीचे नहीं बेचूंगा, बात खत्म. हमारे बीच में अग्री हुआ था, फिर मैं आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं आपसे गलत चीज़ कर रहा हूँ, ओवर प्राइस कर रहा हूँ आपको. सो अग्रीड प्राइस से ज़्यादा पैसे मांगना, ये सारी चीज़ें भी आपको किसका पात्र बना देंगी, कंप्लेंट का पार्ट बना देंगी. ठीक है, लेट्स सी आप लोगों को अभी तक कितना याद हो गया. कंप्लेंट आप क्या क्या चीज़ों के खिलाफ कर सकते हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के खिलाफ कर सकते हो, डिफेक्टिव गुड्स के खिलाफ कर सकते हो, डेफिशिएंसी इन सर्विस के खिलाफ कर सकते हो, या फिर एक ट्रेडर या फिर सर्विस प्रोवाइडर जिसने आपको ये गुड्स प्रोवाइड किए या फिर ये सर्विस प्रोवाइड की इन एक्सेस ऑफ द प्राइस, जितनी लॉ ने डिसाइड की थी उससे ज़्यादा, जितनी आप लोगों के बीच में डिसाइड हुई थी उससे ज़्यादा, या फिर जो प्राइस लिस्ट के अंदर लिखी गई है उससे ज़्यादा, इन सारे केसेस में क्या आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं? यस. नेक्स्ट, चल चार पॉइंट्स हो गए ना डिस्कस, वी आर गोइंग टू वर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट. यस, गुड्स विच विल बी हजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक. बेटा ये ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस कर चुका हूं मैं, ऐसे गुड्स जो हजार्डस टू लाइफ है आप वही बेच रहे हैं. गुड्स हजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ सच गुड्स एज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स. आप कोई गुड्स बेच रहे हैं जो हजार्डस नेचर के हैं, उसमें भी आपने अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए. पहले ही हजार्डस है, ऊपर से तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहा, क्या ऐसे केस में हम जा सकते हैं आपके खिलाफ कंप्लेन करने? गो. नेक्स्ट, इफ द ट्रेडर कुड हैव नोन विद ड्यू डिलीजेंस दैट द गुड्स सो ऑफर्ड आर अनसेफ टू पब्लिक. अच्छा, आपने पहली बात सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए, उसके बाद आपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए और आपने
अगर नॉर्मली उस ट्रेडर ने हल्का सा ड्यू डिलीजेंस किया होता, बच्चे व्हाट डू यू मीन बाय ड्यू डिलीजेंस, अगर बेसिक चेकिंग भी की होती ना, ड्यू डिलीजेंस इज टू चेक, अगर आपने बेसिक चेकिंग भी की होती ना तो आपको अच्छी तरह से पता होता कि दीज गुड्स आर अनफिट टू बी सोल्ड टू अ कंज्यूमर। श्योर है इसके खिलाफ भी केस कर सकते हैं? यस, ठीक है। लास्ट पॉइंट तक जाने से पहले एक बार वापस रिपीट करते हैं, क्योंकि लास्ट पॉइंट रिपीट पॉइंट है। सबसे पहला, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के खिलाफ। सेकंड, डिफेक्ट इन द गुड्स के खिलाफ। थर्ड, अच्छा फोर्थ में खाली एक ही लाइन बोलते हैं, एक्सेसिव प्राइस चार्ज करने पे। फिफ्थ, कोई हजार्डस नेचर के गुड्स बेच रहे हो जिसमें ना आपने सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया और आपको पता होते हुए भी जो अनफिट है फिर भी उसको सेल किया, तो क्या ऐसे केस में अपन फाइल कर सकते हैं? यस। एंड टू विच, अभी जो मैंने ये आपको गुड्स के लिए बताया, नेक्स्ट पॉइंट में खाली इसको हटा के सर्विस लगा दो। हाँ जी, सर्विस, सर्विस विच आर हजार्डस और लाइकली टू बी हजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ द पब्लिक व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर विच सच पर्सन कुड हैव नोन विद ड्यू डिलीजेंस टू बी इंजूरियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। डिटो सेम, खाली इस बार जो बंदा आपको ऑफर कर रहा था वो एक सर्विस है और ये सर्विस हजार्डस नेचर की थी। बंदे को पता था कि इस सर्विस से अगले बंदे की लाइफ भी खतरे में आ सकती है, फिर भी उसने आपको ये बात नहीं बताई एंड ही कंटिन्यूड विद इट। आई एम सॉरी, होटल में पानी की बोतल महंगी क्यों होती है? क्यों नहीं हो, प्राइस के ऊपर है। दिखा मुझे कोई होटल की बोतल जो प्राइस के ऊपर पानी बेचता है, तेरे को होटल खरीद दूंगा। कहीं भी चले जाओ, मुझे पीवीआर नहीं, पर जाओ बोतल उठाओ और मुझे उस प्राइस जितनी उस पर लिखी है उससे ज्यादा चार्ज कर दिया दिखा दो। कहीं भी जाओ, ये लोग क्या करते हैं शाड़े, इन बॉटल कंपनी से इन लोगों ने टाइप कर रखे हैं, जैसे पीवीआर वाले ने अपना टाइप कर रखा है किनले की बॉटल्स के साथ और कह दिया सुन भाई अगर लॉ की बात मानूंगा तो प्राइस के ऊपर नहीं बेच सकता, ये मेरे खिलाफ केस कर देंगे, तू मेरे लिए स्पेशल बॉटल बना जिसमें एमआरपी 100 रुपये लिख, मेरा पानी है 100 में बेच रहा हूँ, खरीदना है खरीद, नहीं खरीदना मत खरीद, एमआरपी देख लेना 100 रुपये लिखी होगी जो पानी तुम खरीद रहे हो, फिक्स लिखी होगी। दैट्स द ट्रिक हाउ दे प्ले। अगर कोई होटल आपको अनरीजनेबली ज़्यादा प्राइस लगा रहा है, चले गए इच्छने 2-5 रुपये ज़्यादा लगा रहा है तो तुम भी केस नहीं करोगे, ये अपन सब जानते हैं, खुली बात है। 5 रुपये के लिए कोपरा जाओगे, कोपरा वाला कहेगा ले भाई झगड़ा खत्म कर जा, काहे को नाराज होता, मैंने तेरा झगड़ा यही सॉल्व कर दिया, जब जब कोल्ड ड्रिंक पी आके 5 रुपये ले जाना बस जा। बट इट्स नोवेयर रिटन, पीवीआर बोलता है कि मेरी सर्विसेज अलग हैं, मेरा एटमॉस्फेयर अलग है, मैं अपने एरिया प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर ऐसे टाइम पे मैं अपनी बॉटल्स जो यूनिक तरीके से बनवाता हूँ लेके आ रहा हूँ, इफ़ आई एम चार्जिंग ऑन MRP देन देर इज नो प्रॉब्लम, और अगर मैं MRP पे चार्ज कर रहा हूँ तो मैं आगे भी तो ज़्यादा पास कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको अनफेयर प्राइस कर रहा हूँ, जो MRP दी है वही लगा रहा हूँ, तो कम्प्लीटली आउट। एनीवन जिसने कभी BMW के टायर्स चेंज करवाने गए हो? कभी नहीं? मैं अब भी रिसेंटली गया था कुछ दिन पहले भैया, खुद की नहीं, खुद की नहीं, वो करना ही नहीं है, हिच नहीं, अपनी हालत नहीं बाबा, अपन डीजल भराने से पहले भगवान के मंदिर में 2-3 बार घंटी बजाते हैं भाई कुछ कर। हाँ तो या अभी हम लोग गए उस दिन, अच्छा BMW में भी टायर्स नॉर्मल ही होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके टायर में कुछ अलग रबर होता है, नॉर्मल टायर, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड की गाड़ी के दोनों पीछे के टायर्स काफ़ी वीक थे, तो वी वेंट देयर, हमने BMW में कहा कि भाई टायर चेंज करना है, और एक सेकंड, आपको BMW में टायर चेंज करवाना पड़ेगा, क्यों? वरना BMW बोलेगा कि मैं आपके टायर के अंदर जो सेंसर्स हैं उसकी वारंटी खत्म कर दूंगा अगर आपने हमसे टायर नहीं लगवाया। लगा लो तुम एड़ी से चोटी तक का जोर, कितने का एक टायर बोला होगा? 40,000 का एक टायर। मैं कहा तू समझ रहा है ना कि अगर हमने तारो एकदम ये चारों अपन ने टायर भी चेंज करवाए ना तो किसी गरीब के पास 1,60,000 की बाइक आ जाएगी या फिर नैनो आ जाएगी, ठीक है? तो हालत देखो इतना, हमने कहा 40,000 किस बात के? बोले सर ये BMW ने स्पेशली आपकी गाड़ी के लिए बनवाया। मैं कहा स्पेशली भी बनवाया तो इसमें स्पेशल तो कुछ होगा नहीं, BMW बेच रहा है ज़्यादा चार्ज कर रहे हो। अच्छा साले आगे वाले भी उनको बना के प्राइस लिस्ट देते हैं कि BMW के लिए टायर बनाया ना ज़्यादा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और कितना सा फर्क है मालूम, टायर के ऊपर एक सिग्नेचर डाल दिया BMW के लिए टू आइडेंटिफाई कि टायर इनके लिए बनाया, खत्म। एक सिग्नेचर 5,500 के टायर को 40,000 का करके चला गया,
मतलब मात्र 35,000 का फर्क आ गया एक सिग्नेचर में, आप समझ रहे हो। पर यू कैन क्लेम अ फाइल अगेंस्ट केस अगेंस्ट बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू की प्रैक्टिस है, वो करेगा ये सब। हमने लड़ झगड़ के भाई बोला कि नहीं हम तो नहीं डलवाएंगे ऐसे टायर, इससे अच्छा तो सेंसर नहीं डलवा लेंगे बाद में खराब होने पे, अगर 1,60,000 के टायर डलवाने तो। टू विच आखिरकार फाइनल बात करके उन्होंने बोला ठीक है आप बाहर से टायर डलवा लीजिए। वही टायर बाहर ईमानदारी से एक जने के सामने हमने 2 मिनट भीख मांगी, 4,800 रुपये में दे दिया सेम टायर। द डिफरेंस ऑफ कमिंग डाउन टू बीएमडब्ल्यू, क्यों वो गाड़ियाँ इतनी महंगी, अनरीजनेबल प्राइसेस चार्ज की जाती हैं आप लोगों को, आप मना भी नहीं कर पाते हो, क्यों, क्योंकि एमआरपी पे दे रहे हैं, कर लो झगड़ लो। आप किसी गाड़ी को सर्विस पे देते हो, कभी आपको एमआरपी से ज़्यादा कहीं स्पेयर पार्ट पे चार्ज करते हैं क्या? कभी नहीं करेंगे। पर अगर उस स्पेयर पार्ट की एमआरपी ज़्यादा है तो आप क्या करोगे? सो दैट्स द ट्रिक हाउ दे प्ले। आई एम श्योर व्हाट इज कंप्लेंट ऑल अबाउट, इफ नाउ वी नो कंप्लेंट लेट्स गो अबाउट हु कैन फाइल दैट कंप्लेंट, दैट इज हु विल बी अ कंप्लेनेंट। लेट्स स्टार्ट। चलिए कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु कंप्लेन्स, हिंदी में बोलूं तो शिकायत करता। कंप्लेनेंट इट मींस, अच्छा एक सेकंड, कौन कौन बेटा कंप्लेन कर सकता है? भाई कंज्यूमर तो कंप्लेन कर ही सकता है 100%, सो एनी कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेन, दैट आई नो। इसके आगे मेन है सेकंड, एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, एसोसिएशन एक वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन है, वो भी केस फाइल कर सकता है। पर बेटा पहले ना इसके कुछ फन फैक्ट्स जान लो वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन के। वॉलंटरी अगर आप नीचे देखेंगे ना, मैंने डाला इसमें, इधर नहीं डाला हुआ है क्या? एक सेकेंड, ठीक है मैं बता देता हूँ, शायद अगर मैंने नीचे नोट डालना भूल गया। बट सी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन एक ऐसा एसोसिएशन होता है विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। ये पहली बात ध्यान रखनी बेटा आपको, ठीक है? चाहिए तो लिख के रख लो, कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होनी चाहिए, केस वन। केस टू जो आपको ध्यान रखना है ऐसे में बेटा, वो रजिस्टर होनी चाहिए, पर कोई भी वॉलंटरी एसोसिएशन चलते फिरते किसी का केस नहीं उठा लेती है। कोई वॉलंटरी एसोसिएशन को अगर ये केस उठाना है तो इस चीज को ध्यान रखें कि इस वॉलंटरी एसोसिएशन के जितने भी मेंबर हैं वो इस डिस्प्यूट में क्या होने चाहिए? अफेक्टेड, या फिर मैं बोलूं उसका इन डिस्प्यूट में क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप लोग इस केस को टेकअप कर सकते हैं और फाइल कर सकते हैं। सिंपल है बेटा। अच्छा ऐसा करने का रीजन क्या है? हम ये चाहते हैं कि एक प्रिविटी मेंटेन हो, जिसके साथ गलत हुआ है और जिसने गलत किया है ये उनका झगड़ा है, उन्हें लड़ना चाहिए। अगर आप बीच में आके इस एसोसिएशन के द्वारा उठ रहे हो और केस लगा रहे हो तो हम क्या चाहते हैं कि इस डिस्प्यूट में आप भी कहीं इफेक्ट हुए हो या फिर पब्लिक का इंटरेस्ट एट लार्ज हैम्पर हुआ, तब आप बीच में आ जाओ, हम अलाउ करते हैं। इसका सेकेंड रीजन बेटा, पुराने एमआरटीपी एक्ट के अंदर, पुराने एमआरटीपी एक्ट के अंदर कोई भी इंसान सुओ मोटो केस कर सकता था या फिर एमआईटीपी एसोसिएशन खुद केस उठा सकते थे, सुओ मोटो अपनी मर्जी से उठा लेते थे। पर ये वाला राइट जो एमआईटीपी के पास था, हमने कोपरा के अंदर बोला कि आप कोई भी सुओ मोटो केस को नहीं उठा पाएगा, देयर शुड बी अ कंप्लेनेंट हु हैज बीन अफेक्टेड एंड हैज लॉस्ट अ कंप्लेंट टू फाइल अ केस। ये सारी चीजें जब साथ में होंगी तब आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होगी। सो गॉट एवरीथिंग अबाउट कंज्यूमर एसोसिएशन, ठीक है? तो रीड कर यार, डाला है ना आगे मैंने, एनी वॉलंटरी कंज्यूमर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। थर्ड, क्या बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट केस फाइल कर सकती है? द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट हु और विच मेक्स अ कंप्लेन, द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बड़े आगे हाँ, ये तभी तो ला लिया उसको कंप्लेन केस में। नेक्स्ट, आप सब कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग मी, अच्छा
मैंने ना आज जस्ट ऐसे ही विकास सर को बोला कि सर है ना अब अपन है ना क्या करते हैं आने वाले 5-10 दिन में एक मस्त पार्टी प्लान करते हैं और सब जाएंगे और ईमानदारी से अपन प्लान कर ही रहे हैं ये तो नक्की है, पर एक संडे के दिन प्लान करेंगे जिस दिन सब थोड़ी देर फ्री रह पाएँ, तब तक के लिए पढ़ लो। मैं कहा अपन सब पार्टी प्लान करते हैं। अच्छा, सब ने डिसाइड किया कि भाई इवनिंग पार्टी है, कोई तो एक मस्त जगह पर जाएंगे, कोई डांस पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक, दे दिए अपन सब ने 500-500 रुपये दिए, वहाँ गए, वाइल किया। उस दिन पहुँचे तो साले ने अपने लिए जगह रेडी नहीं रखी थी और कुछ भी नहीं हुआ, एंड वी केम बैक लाइक दिस। अच्छा, सबका सेम इंटरेस्ट हम हुए, पापा की परियां और पापा के परे सब तैयार होके आए थे नाचने के लिए। ठीक है भाई, सब रोड पे गणपति बापा सेलिब्रेट करने लग गए, क्योंकि अंदर तो अपने कुछ मिला नहीं, आ गए सब बाहर। अच्छा किसी, अब आप सब जाके कंज्यूमर कोर्ट के सामने खड़े हो गए, हमारी मांगे पूरी का फायदा नहीं है, हम सबका कॉमन इंटरेस्ट है ना, एक दो लोग चले जाते हैं ना और जो सबका इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर देंगे। यस, तेरे को भेजूंगा मैं, डर मत। सो देख लीजिए, वन और मोर कंज्यूमर वेयर देर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट। सब लोग सेम इंटरेस्ट में थे, एक या दो लोग कोई भी चले जाओ जिनका इंटरेस्ट सेम तरीके से हम हुआ है, आप लड़ लो, आखिरी में कॉम्पनसेशन मिले दे देना। ओ माई गॉड, कांजीलाल जी मेहता इकलौते सबको रिप्रेजेंट कर रहे थे, बस। नेक्स्ट, इन केस कंज्यूमर की डेथ हो गई तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कंप्लेंट नहीं करेंगे, तो ऐसे केस में एक सेकेंड, इन केस ऑफ डेथ जो भी उसके लीगल एयर है, समझा क्या? वन ऑफ मोर कंज्यूमर इन केस ऑफ हाँ जी बोले, अगर कोई शंका रह गई हो तो ना बेटा बड़े, हाँ बेटू, दिस इज अ राइट, अ राइट ट्रांसफर्स एज गुड एज अ सक्सेशन। अगर विकास सर को कुछ हो गया, उनकी चीज उनकी वाइफ या उनके बच्चों को जाएगी, हिंदू सक्सेशन में दोनों को जाएगी। उन्हें कुछ हो गया, उनके आगे जो नेक्स्ट अवेलेबल है उनको जाएगी। इट ऑलवेज पासिस ऑन, तो जस्ट लाइक अ प्रॉपर्टी पासिस ऑन, अ राइट ऑल्सो पासिस ऑन, सो इट डजेंट मैटर। एक लीगल एयर, जैसे ही डेथ हुई एक लीगल एयर अब क्या कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा। बेटा इसके ऊपर केस है, मैंने डाला है, तो अब ऐसे केस में इधर ही है क्या, एक विडो का केस है, यू कैन सी डाउन टू, एक सेकेंड बेटा, 13.4 पे मैंने केस डाला हुआ है, देखेंगे वो कल करेंगे डिस्कस। बट एक विडो थी जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ सम डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, तो पूछा गया कि यार ये कंज्यूमर कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, एंड द कोर्ट अपहेल्डेड स्टेटिंग उस विडो को सेम कंज्यूमर की तरह ट्रीट करना है। नाउ शी इज नो मोर अ लीगल हेयर, नाउ शी इज अ कंज्यूमर, और जैसे ही आप कंज्यूमर बन गए, कंप्लेनेंट इंक्लूड्स एनी लीगल हेयर ऑफ द कंज्यूमर। अब आप कंज्यूमर हो, अब आपका लीगल हेयर आएगा, तो हमेशा आगे चलते रहेंगे, राइट? यू डिडंट गेट मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तेरे एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, एक्स, एक्स इज अ कंज्यूमर, इनका क्वेश्चन क्या है कि भाई अगर लीगल एयर मर गया तो क्या होगा? एक्स इज अ कंज्यूमर, ही डाइज, राइट? नाउ द स्टेटस ऑफ कंज्यूमर शिफ्ट्स टू हिज लीगल एयर। जैसे ही इनके पास आया, अब ये क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर। एंड द रूल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेज व्हाट, कि एक कंज्यूमर का राइट और आगे शिफ्ट हो जाएगा उसके लीगल एयर को, इन द इवेंट ये मर गया तो। अब आप कह रहे हो कि उसका कोई लीगल एयर ही नहीं बचा, बेटा इम्पॉसिबल है टू गो अराउंड। लाइन ऑफ एक्शन अंडर हिंदू लॉज या कहीं पे भी अपने लीगल एयर की कितनी है? अच्छा, आई एम पर्सन, माय लीगल एयर इंक्लूड्स माय मॉम डैड, माय वाइफ, माय चिल्ड्रन, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय स्टेप ब्रदर, माय स्टेप सिस्टर, माय कजन ब्रदर, माय कजन सिस्टर, इतनी बड़ी चेन। और उसके बाद भी है ना भाई, तो तू कंज्यूमर मत बन, तू खुद पहले एक बच्चा पैदा कर, क्योंकि तेरे आने जाने के बाद इन गुड्स का करेगा क्या कोई? तो अगर इतना अकेला है जीवन में, तो पहले शादी कर, ठीक है? ठीक है क्या? अब ये मत कहना कि शादी के टाइम पे खाने में कोई डेफिशिएंसी थी, तो आप कहाँ जाएंगे, अभी तक तो शादी भी नहीं हुई है। तू पहले शादी पे ध्यान देना, खाने वाने का होता रहेगा। चलो चलो, झाला क्या?
हाँ जी बच्चे, व्हाट इफ अ, तो उसका गार्डियन, दैट टर्न्स आउट टू बी ना, क्या फर्क पड़ रहा है, इट डजंट मैटर। हाँ जी और बोलिए, बस तू बता मत बोलना, और बोलिए मतलब और कोई यहां तक डाउट है तो बताओ। ओके बच्चे का क्वेश्चन है, नॉमिनी और लीगल एयर में क्या फर्क है? बेटा एक होता गले पड़ना, एक किसी को गले लगाना, इतना ही फर्क है। नॉमिनी, मैंने खुद गले लगाया आपको। लीगल एयर, आपकी बीवी गले पड़ गई आपके जाने के बाद, उसी को मिलना है सब कुछ। सो लीगल एयर इज समथिंग जो बाय लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ इन फोर्स आता है, आपकी चीज आगे शिफ्ट हो ही जाएगी उसके पास। नॉमिनी, आपने नॉमिनेट किया था अपने जिंदा रहते हुए कि मेरे जाने के बाद इस चीज को देना। तो लेट्स सपोज हार्दिक इज माय सन, अब दिस गाय बीइंग माय सन, अच्छा हो मैंने किसी लड़की को कुछ नहीं बोला, ये तो बताइए कहां तक पहुंच जाता। हार्दिक इज माय सन, मेरे जाने के बाद मेरे पास कुछ 2-3 हज़ार की प्रॉपर्टीज हैं, तो वो सारी इसको मिल जानी चाहिए। व्हाई? बिकॉज ही इज माय लीगल हेयर। ठीक, पर मेरे को पता था कि मेरी औलाद एक नंबर की नालायक नपटी निकम्मी है, ठीक है एकदम। तो मैंने बोला कि भाई इसमें से इसको कुछ नहीं मिलना चाहिए, मैं सब कुछ नॉमिनेट कर रहा हूं प्राची के नाम पर। अभी इधर जो हुआ उसका मेरे से कोई रिश्ता नहीं था, बट मैंने उसको मेरा नॉमिनी बना दिया। सो नॉमिनी बनने की वजह से सारी चीज इसके पास जाएगी और लीगल हेयर के पास नहीं जाएगी, बट ये बनाने से पहले ही मेरी टिकट कट जाती, सब कुछ लीगल हेयर के पास निकल जाता। ठीक है, और बोलो कोई डाउट? नहीं, चलेगा, यहां तक बहुत हो गया। माय टाइम इज अप, सो आई बिलीव कल अपन कंज्यूमर की डेफिनेशन आगे बढ़ते हैं। बेटा अब जो कल से अपन रीड करेंगे ना, ये वही सारी चीजें जो अपन ऑलरेडी पूरा डिस्कस कर चुके, तो इट बी क्वाइट अ लाइटर पार्ट फॉर यू टू डिस्कस। आई होप यहां तक का एक्ट आपको एकदम क्लियर जा रहे हैं। आज के लेक्चर में बैठने के लिए आपका धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते रहिएगा, जिंदा रहेगा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।